लेक्चर 9 में आपकी फॉर्म 7 की मैं बात कर रहा था, ये बीच में मिसिंग हो गई है। dx अपॉन अगर अंडर रूट के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक है बट ये तीनों ही क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक जरूरी नहीं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात कर रहा है, वो क्वाड्रेटिक ये भी है क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है। यहां भी पावर 2 है और यहां पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो ये तीनों ही क्वाड्रेटिक है। अगर ऐसा कहीं दिखाई देता है आपको तो चुपचाप साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख देना। अगर ये फॉर्म कहीं दिखाई देती है चुपचाप लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख देना, और अगर ये फॉर्म दिखाई देती है तो लॉग मॉड मॉड तो इसमें भी आएगा मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख देना। लेकिन ये फॉर्मूले बने कैसे है? ये फॉर्मूले कैसे बने ये इंपॉर्टेंट है, करें कैसे बने ये फॉर्मूले। तो देखो बेटे एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि आपने क्या बनाना है, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला वो फार्मूला लो जिससे ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए। आप अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लोगे ना इसे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसमें भी ऐसा ही कुछ ले लो, इसमें कोशिश करो कि एक्स की जगह क्या ले लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लो, सेक स्क्वायर एक्स की जगह सेक थीटा पुट करो तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो फिर वो टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, वो फॉर्मूला भी लग जाएगा। आइडेंटिटी का यूज करना है, यहां कौन सा लगाओगे, एक्स की जगह क्या पुट करोगे, यहां टेन थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अभी भी लोगों नहीं समझ रहे आ रहा है, मतलब वो आइडेंटिटी का यूज करो जो इसमें बिल्कुल फिट बैठे। पॉइंट क्लियर है, आ रहा समझ में? तो देखो मैं पहले वाले को सॉल्व करता हूं। इंटीग्रेट अगर मुझे दिया हो dx अपॉन अंडर रूट में दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, x की जगह पे जो आपको सही लगे, मैं वैसे एक cos थीटा ले लेता हूं, मुझे ये पसंद है भी, आप लोगों को sin थीटा अच्छा लगता है तो sin थीटा ले लेना, क्या प्रॉब्लम है क्या किसी को, ये ले सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा और इसको फिर डिफरेंशिएट करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में करोगे बताओ, ये थीटा 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 के, हाँ जी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आएगा dx ओवर डी थीटा इक्वल टू ए cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है भाई, नहीं ये तो आता होगा लोगों, ठीक है। और dx की जगह पे आ जाएगा, dx की जगह आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये आ जाएगा, यानी कि इस पूरे dx की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, जहां मुझे dx दिखेगा मैं वहां ये पुट कर दूंगा ए साइन थीटा डी थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, और एक्स की वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू पुट करो ए कॉस थीटा स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे समझा गए? तो ये बेटे हो गया आपका माइनस ए साइन थीटा डी थीटा अपॉन में आ गया ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ए बाहर आ गया, बिल्कुल सही बोला आपने, अंदर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बोला आपने साइन थीटा, ए साइन थीटा कट गया तो माइनस डी थीटा, सब कुछ ही तो कट गया, माइनस डी थीटा सिर्फ माइनस डी थीटा बचा, सिर्फ ये बचा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आएगा। कभी भी ध्यान रखना डेरिवेटिव और ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, एंटी होते हैं, ये कट हो जाते हैं। अरे पॉइंट क्लियर है, सिर्फ थीटा बचेगा, माइनस थीटा, और थीटा आपने किसको माना था, कॉस थीटा, किसको माना था, यहाँ ध्यान दीजिए कहाँ लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर को हमने ए कॉस लिखा नहीं मैंने, हाँ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, हाँ तो मैं ये लिखता हूँ एक्स इक्वल टू क्या है ए कॉस थीटा, क्या है ए कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, रिवर्स में चला गया ना, तो ये आ गया, तो जहां आपको थीटा दिखाई देता है उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, बेटे माइनस कॉस इनवर्स ए लिखा आपने, ये क्या लिखा, और अगर आपको फार्मूला साइन इनवर्स में बनाना चाहते हो तो साइन इनवर्स में भी एक्स अपॉन ए आ जाएगा, और इस बार आपको अगर साइन इनवर्स में बनाना है तो बजाय कॉस थीटा के ए साइन थीटा ले लो, और वो भी करके दिखा देते हैं, लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, आप एक एक्स को क्या ले लोगे ए साइन थीटा, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, अगर यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो वन आ जाता, ए कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, क्योंकि आप थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप तो थीटा लगाने की नीड ही नहीं है, पॉइंट क्लियर है, डी थीटा लगाने की नीड ही नहीं है, बच्चों समझा गया, तो dx की जगह पे dx की जगह आ जाएगा बच्चों a cos theta into d theta, बेटे समझ आ रहा है सबको, बेटे बड़ा सिंपल है, जहां इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन हम किसका कर रहे थे, dx की जगह पे इंटीग्रेशन कहां किसका कर रहे थे ये तो बताओ पहले, dx अपॉन अंडर रूट, अभी तो फर्स्ट वाला ही चल रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हो ना भैया, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे, एक्स की वैल्यू क्या लिया ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डीएक्स की जगह पुट करोगे ए कॉस थीटा डी थीटा, क्योंकि सारा जो भी आएगा वो डी थीटा के टर्म्स में आएगा, किसके टर्म्स में आएगा डी थीटा, यहाँ जाएगा बेटे ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे मुझे इतना भाई आप लोग बताने नीड नहीं है क्योंकि नीचे क्या आएगा ए कॉस थीटा ही आएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, टी थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ थीटा बचेगा ना, थीटा प्लस सी लिख दें से, और थीटा हम किसे निकालेंगे बच्चे देखो एक्स इक्वल टू क्या है ए साइन थीटा बेटे है ना, तो ये डिवाइड में चला जाएगा एक्स अपॉन ए इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है बेटे, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो प्रूफ कर दिया हमने पता नहीं लगा भी, तो आपका जो इंटीग्रेशन आया था किसका वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का, वो आ जाएगा थीटा की वैल्यू पुट करो ना, थीटा ही है ना साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अब पेपर में ही प्रूफ करने का टाइम है नहीं आपके पास, आपको याद रखना होगा जहां क्वाड्रेटिक की ये वाली फॉर्म दिखाई दी चुपचाप ये फॉर्मूला अप्लाई करना, आ गया समझ में, अभी कुछ लोगों को डाउट चल रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है बच्चों समझ आ गई क्या बेटे, ठीक है कोई नहीं आएगा समझ डोंट वरी, ठीक है दूसरा एक और था फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला है बच्चे इंटीग्रेट कर दो डीएक्स अपॉन किसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस तो टेन लेना है ना इसमें हमें टेन ले लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x की जगह मैं क्या ले लूंगा ए टेन थीटा, क्या ले लूंगा ए टेन थीटा बेटे, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा थीटा के रेस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट होता है टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, बच्चों आता है ये डीएक्स आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, हाँ बिल्कुल डीएक्स आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, निधि को बहुत अच्छे से समझाया इंटीग्रेशन बताया आपको, हाँ ये बता देंगे सबको, चलिए अब बेटे देखो डीएक्स की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दोगे ये जो आई आपकी ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर, बेटे ये भी वही बन गया फिर से कहानी फिर से वही आ रही है तो यार ए, लेकिन थोड़ा ध्यान से ए आ रहा है ऊपर ए है ए स्क्वायर नहीं है, ओके कॉमन ले लो तो ए बाहर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ए आएगा बेटे, तो ये तो कैंसिल हो गया एक हिसाब से, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ थीटा बचेगा, तो थीटा थीटा हाँ हाँ नीचे क्या आ रहा है सॉरी हाँ ये गलती हो रही थी सिर्फ सेक थीटा बच रहा है, तो ऊपर सेक थीटा डी थीटा बचेगा सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा का भी इंटीग्रेट करना होगा हमें है ना, हाँ थीटा बच जाता तो हमारे लिए इजी हो जाता ना, थीटा बचेगा नहीं सॉरी बेटे मैंने ऐसे ये लग भी जाता, चलो कोई नहीं इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा ये आया ना, सेक थीटा का इंटीग्रेशन कैसे सेक इनटू टेन थीटा, अच्छा जी लॉग लॉग में आते लॉग मॉड टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, ये है भाई ऐसे ना करो यार मैंने तो प्रूफ कराया इसका, आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम वो डेरिवेटिव का फॉर्मूला बता रहे हैं आप लोग, कल जो हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे वो वाले हैं, वो वाले हैं क्या है बेटे बताओ लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी मॉड, हाँ मॉड में ये भी स्टैंडर्ड मैंने कराया, मैंने प्रूफ कराया इसका, इसको वन अपॉन कॉस माना था, सेक का तो होते नहीं फॉर्मूला वही, हाँ वो तो कोई ऐसा डिफरेंशिएशन है जिसको करने के बाद सेक थीटा आता हो, नहीं है तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता ऐसे, अरे भाई ठीक है अगर ये किसी का डेरिवेटिव होता तो हम इसको सीधा डायरेक्टली लिख देते, हाँ। अगर मान लो डी और डीएक्स सेक थीटा का कुछ मतलब टेन थीटा का अगर डेरिवेटिव सेक थीटा होता तो मैं सेक थीटा का इंटीग्रेशन लिख देता, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है पॉइंट क्लियर है, आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा और लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया, अब क्या करोगे आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे, थीटा की वैल्यू पुट करोगे, थीटा यहां से निकालोगे आप, थीटा आएगा यहां से x इक्वल टू ए टेन थीटा, तो बेटे ये आ जाएगा x अपॉन ए इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है बच्चों तो ये आ गया प्लस सी, तो आप थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे, थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे, देखो करें तो आएगा लॉग sec थीटा प्लस sec टेन टेन इनवर्स x अपॉन ए, हाँ जी प्लस टेन वो कट जाएंगे एक्स अपॉन ए बचेगा, अरे भाई टेन वर्स हो गया, और वैसे आंसर हमारा क्या आ रहा था इसका लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस लास्ट वाला ये लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये आ रहा है ना, यही आ रहा है तो सेक और ये किसमें आ रहा है टेन वर्स में आ रहा है, ये सेक में आ रहा है ना, टेन थीटा को पहले ले लेते हैं sec थीटा प्लस टेन थीटा, इसको फिर चेंज करना होगा हमें, चेंज करके फिर ऐसे आएगा इस फॉर्म में आएगा sec इनवर्स इसको मतलब इनवर्स फंक्शन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस x स्क्वायर थी, हाँ सही तो है, फिर तो sec थीटा ही बना था ना नीचे, सही तो था
यार सही है सब ठीक है, ये फार्मूला सही बोला आपने, देख लो हाँ सही है, स्टैंडर्ड फार्मूला यही है, स्टैंडर्ड फार्मूला ये ठीक है बेटा, यहाँ तक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा रहा है सही है। तो ये फार्मूला इस तरीके से आप सॉल्व करके इसको यहाँ पे सॉल्व करके ले, कुछ नहीं है इसमें, सिंपली क्या करोगे sec थीटा को आप लिख लोगे अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, एक्स अपॉन ए क्या आएगी, एक्स अपॉन ए, तो ये ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा ए स्क्वायर, और फिर ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ जो आपका sec थीटा था यहाँ पूरी वैल्यू पुट कर दोगे और फिर वही आ जाएगा जो आपको चाहिए था, क्या था फॉर्मूला आपका, ये फॉर्मूला आपका फॉर्मूला ये वाला, ये आ गया ना देखो बेटे यहाँ से आ गया ना फॉर्मूला ये, अरे भाई वैल्यू पुट कर दिया आपने, एक्स कॉमन ले लिया, ये यहाँ पे यही आ जाएगा, हो जाएगा ना ये वैल्यू जब रखोगे वही आ जाएगा बेटे, आ गया समझ में, तो इस तरीके से आपने फॉर्मूले याद रहेंगे आपको, ये करें आगे ठीक है। क्लोज नाइन में देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बोला था कि जब दो फंक्शंस दिए हों, ध्यान से सुनो आप, जब दो फंक्शन दिए हों और दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, इन दोनों का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे, पॉइंट क्लियर, जब दो फंक्शन आपस में क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इनका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे, पॉइंट क्लियर है। तो मैंने एक फार्मूला बनाया था, मैंने फार्मूला प्रूव भी कराया था, मैं दोबारा नहीं कराऊंगा उसको, रिपीट नहीं करूंगा, मैं बस आपको समझा देता हूं। देखो पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फर्स्ट और सेकंड चूज करने में, क्या चूज करने, फर्स्ट और सेकंड, कि फर्स्ट किसको मानूं मैं, ठीक है, फर्स्ट उसी को मानो, फर्स्ट उसी को मानो जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको इंटीग्रेट करने की प्रॉब्लम ना आए, फिर से सुन लो, फर्स्ट आप उसी को मानोगे जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको इंटीग्रेट करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, आ गया समझ में, और ज्यादातर फर्स्ट जो माना जाता है वो इस प्रायोरिटी के बेस पे आई लेट, कौन आई लेट, आई का मतलब है सबसे पहली प्रायोरिटी इनवर्स को देखो, अगर इन दोनों में से इनवर्स इधर प्रेजेंट है तो इसको पहला मान लो, लॉगरिथम को दूसरी प्रायोरिटी, फिर अल्जेब्रिक को, फिर ट्रिग्नोमेट्री को, एक्सपोनेंशियल को लास्ट में रखा जाता है, मैं रीजन देता हूँ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को अगर आप डिराइव डेरिवेटिव निकालोगे तो e की पावर एक्स ही आएगा, और उसका इंटीग्रेशन भी e की पावर एक्स ही आएगा, तो ये प्रॉब्लम करता रहता है, घुमाता रहता है, तो इसलिए इसको सबसे लास्ट में ले लेते हैं, अभी भी नहीं आया समय, आ गया ना, तो सबसे पहला टारगेट है कि फर्स्ट और सेकंड किसको मानना है, पॉइंट क्लियर। अब दूसरा टारगेट, जिसको मान लो आपने fx को फर्स्ट मान लिया, इसको gx मान लिया, अब fx को बाहर निकालो, क्या करो fx को बाहर निकालो, अब इंटीग्रेट करो gx का, सेकंड वाले का, बिल्कुल सही बोला आपने, dx माइनस, लेकिन इसमें वैसा नहीं है जैसा आप डेरिवेटिव बढ़ गया, इसमें आप क्या करोगे, अब आप डेरिवेटिव करोगे किसका, fx का डेरिवेटिव करोगे, फिर आप इंटीग्रेशन करोगे gx का, और फिर dx यहाँ आएगा, और सारा आप खुश होने के बाद dx आएगा बेटे, बड़ा सिंपल, ठीक है, और एक क्वेश्चन से ही समझाएगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम है, इंटीग्रेट करो इसको, यहां लिखा है x इंटू साइन थ्री एक्स डीएक्स, बच्चों ये बताओ फर्स्ट किसको मानूंगा और मैं सेकंड किसको मानूंगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बताओ फर्स्ट किसको लोगे और सेकंड किसको लोगे, फर्स्ट आपने इसको बोला और ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन आपने कैसे बोला बताइए, वेरी गुड, दिमाग सही है, चलो बैठो कर जाएगी, ये एक्स है और ये साइन थ्री एक्स है, आपने इसको फर्स्ट माना क्योंकि एलजेब्रिक है, और ये कौन है, ट्रिग्नोमेट्री, इसको फर्स्ट मान ले, इसको बाहर निकाले, क्या भाई बाहर आ, तो अब मैं इंटीग्रेट करूंगा किसको, साइन थ्री एक्स को, साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेट करूंगा, डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन d upon dx of x, इसको फर्स्ट इसीलिए मानते हैं कि इसका डेरिवेटिव वन आ जाएगा, और इजी कर जाएगा, है ना, अब फिर इंटीग्रेट साइन थ्री एक्स इंटू डीएक्स, और फिर पूरे का dx, पूरे का dx जो आएगा सॉल्व होने के बाद उसका पूरे का dx होगा, आ रहा है समझ में बेटा, देखो साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, थ्री एक्स को आप t मान लो, अगर तो यहाँ साइन x लिखा होता तो मैं माइनस कॉस x लिख देता, क्या लिख देता, माइनस कॉस x, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिया तो थ्री एक्स दिया, थ्री एक्स को क्या मान लो, t मान लो, ठीक है, आप दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन करोगे एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, सही बोल रहे हो, डीटी अपॉन डीएक्स, थीटा नहीं है एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डीएक्स उधर आ जाएगा, डीएक्स इधर आ जाएगा, तो डीएक्स इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन थ्री डीटी, अरे ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसा डिफरेंशिएशन ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डीएक्स हटाना, ये पुट करेंगे, ये हटाना चाहता हूँ मैं, डीएक्स की जगह ये पुट कर दूंगा और इसकी जगह टी पुट कर दूंगा, ठीक है, तो इसलिए अगर कोई मुझसे कहेगा कि भाई साइन थ्री एक्स का क्या करो
इंटीग्रेशन करो तो मुझे तो साइन एक्स का आता है, इसका नहीं आता था, इसको मैंने टी मान लिया था, और इसको जब टी माना था तो यहाँ आ गया साइन टी, और डीएक्स की जगह क्या आ गया 1/3 डीटी, ठीक है ये तो कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन फिर आएगा साइन टी डीटी, ठीक है अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका बच्चा बच्चा इसका इंटीग्रेशन जाता है माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी, क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि कॉस का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, ठीक है अब आपने माइनस कॉस टी यहाँ आएगा 1/3 माइनस कॉस टी की वैल्यू आपने किसको माना था टी 3x को, तो चुपचाप ये लिख देना। अब मैं जो कुछ बताने की नीड नहीं है कि सिंपल वैसे ही कर दिया जाता है, बस उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो ये तो मैंने यहाँ करा दिया आपको, आपके कारण कराने को नहीं कराना था, ये मैंने पहले कराया हुआ है ना। अब आप क्या करोगे, जहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है एक्स साइन थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स का भी निकाल दिया आपने, निकाला ना अभी, अभी तो निकाला, इंटीग्रेशन मैं दोबारा लिखूंगा। अब बेटा डी ओवर डी एक्स ऑफ इधर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स का, वन होता है एक्स, और ये तो वैसे भी कट जाएंगे यार, डी एक्स अपॉन कट जाएंगे वन, तो यहाँ अंदर प्लस कौन, वन तो हटाई दो, अंदर कौन बचा साइन थ्री एक्स डी एक्स, बेटा ये बचा ना थ्री एक्स का, तो सेम ही आएगा फिर पूरे का, ठीक है फिर वही आएगा, अब दोनों को लिखूं मैं एक्स, इसका आ जाएगा माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री माइनस माइनस इंटीग्रेशन, इसका आएगा माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री डी एक्स, लेकिन फिर दोबारा होगा यस सर, माइनस बाहर आ गया, ये तो हो चुका, ये निपट गया अपना, ये फिर फंसा दिया इसको, फिर फंसा दिया, तो ये आएगा माइनस एक्स कॉस थ्री एक्स अपॉन में क्या जाएगा बेटे थ्री, और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और फिर दोबारा फिर से इंटीग्रेट होगा किसको कॉस थ्री एक्स, थ्री को तो बाहर निकाल सकते हैं, कॉस थ्री एक्स का फिर से वही कहानी रिपीट होगी, वही वाला फिर से माइनस एक्स अपॉन थ्री टी माना होगा, लेकिन काम वही होगा फिर से, तो मुझे दोबारा टी मानने की नीड नहीं है, आप लोग समझदार हो गए हो, तो यहाँ आ जाएगा साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री आएगा, बच्चे बोलो, अब एक बच्चा बोला माइनस क्यों नहीं लगाया, अरे क्या बेवकूफ वाली बात करता है, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आएगा, ठीक है तो यहाँ क्या बेटे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइन आ जाएगा, बेटे समझ आ गया, यहाँ टी का इसने लगा दिया, सॉरी बेटे टी, ठीक है अब लिखो मैं इसका, आ गया ना सारा सॉल्व होके, बस आंसर आ गया बच्चे हमारे, लिख दो पूरा आंसर आएगा पूरा सॉल्व होने के बाद, माइनस एक्स बाय थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स, ठीक है बच्चे, और नाइन हो जाएगा 1/3 और 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे नाइन है, नाइन साइन थ्री एक्स और साथ में आ जाएगा सी, ये बेटे कहानी खत्म होगी, कॉन्स्टेंट होता है सी, इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कॉन्स्टेंट का अगर आप क्या करो डिफरेंशिएशन तो जीरो आएगा, तो इसलिए सी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट क्लियर है। देखो बेटे नेक्स्ट, अगर इसका दोबारा आप डिफरेंशिएशन करोगे ना फर्स्ट इंटू सेकंड मान के, तो कौन आएगा इंटीग्रेशन आएगा जिसका आप कर रहे हो, ये आएगा करने के बाद करके देख लेना, ये आएगा, आ गया समझ में, आ गया करके देख लेना, किसी को डाउट है तो करके देखो, करो सब कुछ पहला फर्स्ट इंटू सेकंड मान मान के करो, कर लोगे करके देख लो, अरे क्या प्रूफ कराऊंगा इसका, मेरी था करना चाहते हो क्या, मैं करके दिखा दूंगा इसको दोबारा से, बता दो अगर आप किसी श्रद्धा है तो मैं कर देता हूँ, चलो देखो देखो बेटे आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो सेकंड मान लो, तो इसमें तो कोई चक्कर नहीं होता है यार, इसमें ना कंफ्यूज हो जाना, इसमें कोई फर्स्ट सेकंड कोई चक्कर नहीं है, जो मर्जी मानो अंदर उन चलाओ, इसमें फर्स्ट बाहर और सेकंड का करो डिफरेंशिएशन माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई आपसे, देखिए इंटीग्रेशन जब बच्चे पढ़ लेते हैं तो गलती कर जाते हैं, इसमें थ्री फ्रंट में आता है, अरे ऐसा लग रहा है पता लग गया इसमें क्यों आता है, क्योंकि 3x का दोबारा से फिर डिफरेंशिएशन होता है और वो 3 आ गया, अरे ठीक है प्लस 1/9 साइन 3x का करोगे आएगा कॉस 3 कॉस 3x आ गया, सी का जीरो होगा यस सर, तो आएगा आप देखो 3 कैंसिल माइनस माइनस प्लस, अरे बच्चों 3x साइन 3x, अरे 3 जा 9 कॉस 3x, है ना, तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, ये थ्री नहीं था ना कट गया, कट गया ना, कट गया, वही गड़बड़ हो गया, क्या गया एक्स साइन थ्री एक्स है ना, क्या लाना है इसमें एक्स साइन थ्री एक्स लाना है, हाँ इतना आ गया है ना, ये कैसे आ गया था, इसको भी हटाओ साइन थ्री एक्स, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, सही है सही है माइनस 1/3 देखो बेटे, अरे माइनस को अभी दोबारा फिर इसको करना था मैंने, अरे भाई मैंने अभी क्या किया था सुनो, फर्स्ट इंटू सेकंड का प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का किया था, इसको तो छोड़ दिया मैंने, इसको जब करेंगे तो माइनस, नहीं 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 इसका माइनस का आ जाएगा 1/9 कॉस 3x और 3 का फिर दोबारा, और ये काटो, अरे यार और ये बच्चा मेरे पास यही तो चाहिए,
यही तो चीज। अरे यार अभी लोगों समझ आया यही कौन है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे ये आएगा, उसका डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा, आ गया होगा समझ लोगों को, आ गया कि नहीं आ गया। इंटीग्रेट एक्स लॉग एक्स डी एक्स, अब आप बताओ बेटे किसको आप फर्स्ट मानोगे किसको सेकंड मानोगे, अलजेब्रा वाले अलजेब्रा वाले है ना ये। अच्छा आईलेट की सारी आईलेट की सारी फॉर्म सुन लो इनसे, सुन लो आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक और ए फॉर अलजेब्रिक और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। चलो बेटा सही बताया ठीक है, ठीक है एक्स लॉग एक्स आपने सही बोला, सबसे पहले लॉग को क्या ले लो फर्स्ट लेवल इसको, तो फिर उधर क्यों लिखा है इसको इधर ही लिखो यार थोड़ा अच्छा लगेगा, लॉग एक्स को इधर लिखो और इनटू एक्स डीएक्स ठीक है बच्चे। क्या करते हैं फर्स्ट को बाहर, मुझे फॉर्मूला लिखना है क्या दोबारा, मैं नहीं लिखूंगा यार मैडम अब तो याद हो गया मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, लॉग एक्स को बाहर और फिर इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डीएक्स ऑफ फर्स्ट वाले का लॉग एक्स का और फिर इंटीग्रेशन एक्स dx फिर होल dx। बेटे देखो यहाँ पे इसने log x को डिफरेंशिएट इसलिए किया क्योंकि इसका 1 upon x आता है, बड़ा इजी हो जाता है मेरा मतलब है ना, तो यहाँ जगह log x, x का अगर कोई इंटीग्रेशन पूछेगा तो आएगा इंटीग्रेशन, ये क्या कर रहे हो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव dx, बड़ा साफ साफ बनाया जाएगा x square upon 2 ये हो जाता है x की पावर n plus 1 upon n plus 1 ये आ जाएगा माइनस, इसका अगर करेंगे तो 1 upon x आएगा क्योंकि 1 upon x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है log x और इसका ये आ जाएगा 1 upon x, अरे इसका डिफरेंशिएशन और x का क्या आएगा 1 x square upon 2 यहाँ इंटीग्रेशन है यार थोड़ा ध्यान रखो और into dx आ गया ये कटिंग आ जाएगा log x ये तो निपट गया था upon 2 और ये आएगा क्या माइनस x अच्छा वो अच्छा वो उसकी इसको तो नहीं बोल रहे थे ठीक है इंटीग्रेशन x upon 2 dx ये तो होगी कहानी खत्म इसकी, x square by 2 को बाहर ही निकाल लो जो लोग इसी को ना करते हैं यार मल्टीप्लाई कहीं माइनस 1 by 2 बाहर निकाला और अंदर आएगा x square upon 2 तो ये आ गया x square upon 2 log x माइनस आंसर आ गया बच्चे आपका x square upon 2 लिखने की नहीं है बाकी कुछ और ठीक है, तो इतने टफ मुझे तो लग रहा है यार इतना भी टफ है dx जहाँ इनवर्स मिल गया तो इसको आप फर्स्ट मान लोगे आप तो ऐसे करते हो ठीक है, तो मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ आपके लिए, मैं ना इसको साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेता हूँ काम फर्स्ट के चक्कर पड़े हो ठीक है, थोड़ा फर्स्ट के साथ एक ये जोड़ दो बस आगे समझ में, मतलब क्या लगा दो टी मान लो, क्या मान लो टी मान लो, डिफ्रेंशिएट करें इसे जरा करना आता ही होगा लोगों को, चलो इसको उधर भेज दो ये उधर जाके क्या हो जाएगा साइन टी भाई रिवर्स होने के बाद ये साइन टी हो जाएगा, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा भाई बताओ बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा dx हाँ बेटे बोलो dx ओवर dx हाँ बोलो ना क्या हो गया इक्वल टू sin t, sin t का क्या होता है cos, cos t होता है और फिर t का दोबारा से होगा dt अपॉन dx, अभी भी आया नहीं होगा ठीक है, ये तो वैसे खत्म हो गया बेचारा मैंने इसको हटाया ये उतर आ जाएगा तो dx इक्वल टू आ गया cos t into dt, तो हम dx की जगह ये पुट करते हैं dx की जगह ये पुट कर देंगे और sin इनवर्स x की जगह t पुट कर देंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए ठीक है, अब आप फर्स्ट और सेकंड किसको मानोगे, अब अलजेब्रा वाले को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री वाले को मान ले करें, अब इजी है हमारे लिए इनवर्स का फॉर्मूला कहाँ लगाते फिरोगे, फर्स्ट को बाहर और कॉस टी का इंटू डी टी माइनस डी ओवर डी टी ऑफ टी और फिर इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी होल डी टी आप तो फॉर्मूला रट गया होगा लोगों को ठीक है, कॉस टी का इंटीग्रेशन बताओ बिल्कुल सही है, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी होता है और ये तो कैंसिल हो गया बेचारा टी का वन होता है और ये डिफरेंशिएशन वन होता है डिफरेंशिएशन कॉस टी का बताओ साइन टी होता है ना इंटीग्रेशन साइन टी होता है तो ये बचेगा सिर्फ साइन टी, अरे बच्चों साइन टी डी टी बचेगा ना, अरे इसका तो पूरे का साइन टी आ गया डी टी लगा दिया बेटे है ना, अब ये आएगा टी साइन टी और फिर देन आएगा माइनस माइनस प्लस कॉस टी ठीक है बच्चों प्लस सी, आप क्या करोगे आप टी की वैल्यू पुट करोगे और क्या खत्म कहानी इसकी, टी की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स रखें देखो ये आएगा साइन इनवर्स एक्स, इधर ध्यान दो आपकी तरफ साइन इनवर्स एक्स साइन टी साइन टी क्या है देखो मैं करता हूँ टी की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स को कट के एक्स आ जाएगा, अरे टी की जगह प्लस कॉस टी की जगह हाँ जी कॉस साइन इनवर्स थोड़ी सी गड़बड़ होगी कोई नहीं कोई मैं बताता हूँ अभी कैसे करेंगे इसको,
ये तो कैंसिल हो गया बेचारा, तो ये बचा सिर्फ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, एक्स इंटू ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इंटू साइन इनवर्स एक्स को क्या करोगे आप, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखोगे, कॉस की जगह क्या करोगे बताओ, कॉस टी की जगह। अच्छा अगर कॉस टी है तो उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता था, वन माइनस टी स्क्वायर। अरे भाई मेरा मतलब समझो, अगर कहीं पे कॉस एक्स लिखा है, रुको कॉस एक्स लिखा है तो उसको मैं लिख सकता हूँ ना वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट, लिख सकते ऐसे तो लिख सकता हूँ ना भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को। तो वहां कॉस टी लिखा है तो कॉस टी की जगह मैं ऐसे नहीं लिख सकता, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी, अभी नहीं आया वो समय, ठीक है। और साइन टी है कौन, इधर दिखाओ, साइन टी है एक्स है, तो यहाँ पे कॉस टी की जगह आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप टी स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, बस कहानी खत्म हो गया, ठीक है प्लस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे ना, ये क्वेश्चन है इवेलुएट, क्या अभी लिखता बस इतना ही है, इवेलुएट करो बस, फिर देखो आपके रेल बनाएगा ये x माइनस साइन, बस इतना सही है, x माइनस साइन एक्स और अपॉन में क्या है वन माइनस कॉस एक्स, और फिर साथ में कौन चल रहा है बेटे dx, यही है ना। देखो बेटे कई बच्चे कहते हैं अरे सर मजा आ गया, मैंने क्या हो गया भाई, कहता सर इसका डिफरेंशिएशन वो परफेक्ट है, मैंने पूछू राम वन का डिफरेंशिएशन x होता है क्या, नहीं होता ना, गलत बता रहा है वो, तो इसको बनाओ, एक्स का वन होता है ना, इसको सेपरेट कर ले बेटे, क्या कर रहे हो, मतलब इसका मतलब उल्टा तो नहीं है ना, रिवर्स नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है, इसका ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं बैठा भाई, ये है बस, तो इसको थोड़ा बनाते हैं उस फॉर्म में। सबसे पहले क्या करो, इसको सेपरेट कर लो बेटे, एक्स अपॉन क्या आ जाएगा वन माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, आपने इसको इसके नीचे लिया माइनस डीएक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, अब कुछ लोग खुश हो गए, कहते अब मजा आ गया, मैंने क्या हुआ, अब बैठा है सर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझाया, वन का फिर से करोगे तो वन आ जाएगा, वन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है माइनस माइनस प्लस, ये माइनस बार लगा हुआ है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है ना भाई, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, अभी भी बताओ कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे, अभी मैंने तो मुझे मेरे पास बहुत तरीके हैं करने के इसको क्वेश्चन को, अगर ऐसे नहीं होता मेरे पास बहुत तरीके हैं, मैं दूसरा मेथड लगा दूंगा मैं, हाँ जी बताओ, अगर ये मेथड नहीं समझा रहा तो दूसरा मेथड करा दें, चल देखो फिर क्या करते हैं, देखो बेटे एक्स अपॉन ये क्या है वन माइनस कॉस एक्स, ठीक है इसको तो सही है, इसको तो जानते हो आप लोग, इसमें तो नहीं प्रॉब्लम है किसी को, देखो बेटे साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है, साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है, लेकिन यह साइन एक्स है तो यहाँ साइन एक्स बच्चो एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू आएगा और फिर क्या आएगा बेटे कॉस एक्स बाई टू, बच्चा समझा रहा है, और यहाँ कौन है कॉस एक्स, तो मैंने वन को हटाना है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला लगाऊं कि वन कट जाए, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ बिल्कुल कॉस टू एक्स का फॉर्मूला आपने क्या बोला, कॉस टू एक्स का बताओ, वन माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स, हाँ ये होता है बेटा ऐसा करो, ठीक है। तो आप अगर कॉस एक्स लिखोगे मतलब ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा, अरे भाई ठीक है यहाँ एक्स बाई टू पुट कर रहा हूँ तो यहाँ भी आएगा, तो एक तो ये वाला फार्मूला पुट करो और एक ये वाला पुट करो, किसमें इसमें, अगर वैसे नहीं करना चाहते तो ये भी तरीका है, करें करें इसका भी कर सकते हो, इसमें भी यही फार्मूला पुट कर दोगे, ये वाला वन जैसे कैंसिल हो जाए, ये वाला कर दो इसमें, हाँ, नीचे तो कर दू मैं बिल्कुल, ये फॉर्मूले पुट कर रहा हूँ, देखो जरा ये क्या आता है एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स की जगह मैं पुट करूंगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, बेटे समझा रहा है सबको, डी एक्स माइनस फिर ऊपर है मेरे पास साइन एक्स की जगह मैं लिखूंगा टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, है ना, अपॉन में क्या रहा है बच्चों वन माइनस कॉस एक्स की, फिर से वही फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू और ये क्या गया dx, ठीक है, और वन अपॉन कैंसिल हो जाते हैं, बताइए आपको ये आ जाएगा एक्स अपॉन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू और साथ में क्या गया dx माइनस वन अपॉन कैंसिल हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया टू और टू कैंसिल हो गया साइन एक्स बाय टू भी कैंसिल हो गया और अपॉन क्या गया साइन एक्स बाय कॉट एक्स बाय टू, बिल्कुल सही बोला, कॉट का फॉर्मूला आता होगा लोगों को, तो ये बन गया बेटे वन बाय टू को बाहर निकाले और अंदर आ गया एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, अगर रिवर्स में हो तो उसको कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय टू लिख सकते हैं, वन अपॉन में बिल्कुल, और ये आ जाएगा कॉट एक्स बाय टू, क्या आ जाएगा कॉट एक्स बाय टू डी एक्स, ठीक है। अब ये फर्स्ट और सेकंड मान के इसको करना आता होगा, कॉट एक्स बाय टू का फॉर्मूला आता है किसी को, कॉट एक्स बाय टू का फॉर्मूला को बता सकते हैं हमें से,
इसको बस ऐसे रहने दो, इस वाले को रुको, बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ पॉइंट, इसको ऐसे रहने दो, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको चुपचाप ऐसे रहने देना, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो सेकंड, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। अब करें इसको, देखो बेटे क्या होता है, हाफ हाफ बस इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, हाफ इसके साथ है, फर्स्ट इंटू सेकंड का, फर्स्ट इंटू सेकंड, कोसेक स्क्वायर का अगर कोई इंटीग्रेशन करेगा तो क्या आएगा बता सकता है मुझसे कोई, कॉट एक्स आएगा, क्या आएगा, कॉट एक्स, कॉट एक्स बाई टू आएगा, कॉट एक्स बाई टू ये आएगा, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर को तो खत्म करता है वो, स्क्वायर को तो खत्म कर रहा है, और फिर एक्स बाई टू को आपने क्या माना था, टी माना था, टू उधर चला जाएगा तो ये आएगा, और माइनस का होता है, अरे आप बताओ ये फार्मूले भूल गए हो क्या, टू कैसे आया, एक्स बाई टू को टी माना, एक्स बाई टू को क्या माना, अच्छा टू उधर चला गया, एक्स बाई टू इक्वल्स टू टी, यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं है, अगर मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड में आ जाता टू, यहाँ डिवाइड में है तो इसलिए मल्टीप्लाई में आ रहा है, इनवर्स में आ रहा है, समझ में, इनवर्स में ऐसा हो जाता है, अगर डिवाइड में हो, अरे भी मान लो ना एक्स बाई टू को टी मान लो, आगे समझ में, यहाँ तो ठीक है माइनस, अब बताओ फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया माइनस, फिर डिफरेंशिएशन होता है इसका वाले का, इसका तो वह नहीं आएगा, अब तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इंटू, फिर इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, फिर से भाई कहानी फिर से आएगी, क्या आएगी बता दो जल्दी से, माइनस टू कॉट एक्स बाई टू, यही आएगा ना, कुछ कहानी समझ आ गई होगी लोगों को, कुछ को नहीं आई, कुछ को आ गई होगी, जिनको आ गई तो वही आईआईटी जाएंगे, बताओ अभी नहीं आई गई तो अदा यार, ये दोनों दुख नहीं रहे, बस फिर हो गया, ये तो वैसे इधर भी कैंसिल करूंगा, इधर भी हमारा हो रहा है क्वेश्चन, माइनस एक्स तो वैसे नहीं बट गया, इसका इंटीग्रेशन आ ही नहीं रहा कुछ, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस बोलो बेटे क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन बोलो कौन सा वाला, यहाँ भी था, हाँ सॉरी यहाँ भी तो आएगा ना, ये वाला सॉरी दोनों में है, अभी तो इसी को सॉल्व कर रहा था मैं, ये कैंसिल हो गया, वेरी गुड, ये आ जाएगा cot x by 2 और dx और माइनस cot x by 2 dx, खुशी की बात, ये दोनों कट गए, आंसर प्लस c, आगे समझ में, ठीक है, ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन, सबसे ज्यादा परेशान लोगों को करता है, जिसको देख के लोग खुश होते थे पहले, अब वो परेशान करता है, जिसका नाम है की पावर एक्स, बोलो ठीक है, पॉलिनोमियल, इफ एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल पता है ना सबको, इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन 50% सिलेबस है कैलकुलस, ठीक है, 50% ये समझ लो 80% खत्म हो चुका है आपका, ठीक है, ऑफ द nth डिग्री, ऑफ द nth डिग्री, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, अगर आप सॉल्व करोगे इसको, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसको मतलब सॉल्व करोगे तो ये आएगा, पहले की पावर एक्स आएगा, और ये कहता है कि ये बढ़ता ही चला जाता है, सॉल्व होता ही नहीं है, नहीं समझा, ये कह रहा है ये सॉल्व होता ही नहीं है, बस ये आता चला जाएगा, ये कहना चाहता है ये, और ये कहता प्रूफ करो, फिर एफ डबल डैश आ जाएगा, फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगा, फिर कह रहा है कि एफ की पावर क्या आ जाएगी, फोर डैश आ जाएगा एक्स, अरे बच्चों ठीक है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, प्लस माइनस वन की पावर एन और एफ की पावर एन एक्स आ जाएगा, मतलब प्लस माइनस तो एन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर यह थ्री है ऑड है तो यह माइनस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसने ये लिया, आगे समझ में, तो ये कहना चाहता है कि आप इसको प्रूफ करो, ये आपका काम है, लेकिन बेटे एक बार सब में है ये, ये ये ये, ये किस समय भूलना, एक बार सब में कॉमन है ये, अरे लेकिन इसको करने के लिए बड़े बड़े विद्वान आए, बेचारे करते रहे और किया भी, अच्छा वेयर ये थोड़ा मैं बता देता हूँ, एफ टू द पावर एन एक्स जो है वो डिनोट करता है किसको, कि डी की पावर एन टाइम्स एफ को डेरिवेटिव निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है बच्चे, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है, वन का मतलब टू का मतलब पॉइंट एन है ना, एन का मतलब ये है, ये एन था इसलिए मैंने बता दिया, तो मैं एन टाइम्स कहाँ एन लगाऊंगा डैश, इसलिए मैंने समझा दिया आपको, ठीक है, करें करें इसका करें प्रूफ, ये देखो प्रूफ करने जा रहा हूं, कोई अगर बोलेगा कि ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स का क्या करो डी एक्स, तो किसी अगर किसी को अगर किसी पागल कुत्ते ने काटा हुआ है तो वो इसको फर्स्ट मान लेगा, पता है कि आइलेट में सबसे लास्ट में बैठा हुआ है और वो बेचारा पागल हो जाएगा फिर, ठीक है, नहीं समझाया, तो बेहतर है चाहे एफ एक्स कोई भी हो इसको नहीं मानना भाई, हमने इसको ले जाओ सेकंड नंबर, आगे समझो, अरे वो घुमाता रहेगा आपको यार, दोबारा दोबारा वही कर करके देता रहेगा, फिर आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, कहेगा एक बार एक्स लो फिर कर पागल बना देगा आपको, ठीक है, आप एक काम करो
एफ एक्स को पहले ले लो और फिर ई की पावर एक्स को ले लो। अरे भाई क्यों किया पता लग गया होगा, करें अब कहानी करें खत्म। देखो पहले बाहर निकालो एफ एक्स को, एफ एक्स को क्या करो बाहर निकालो, ई की पावर एक्स का क्या करो इंटीग्रेशन माइनस, फिर डिफरेंशिएशन किसका डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन लिखने की जरूरत है, ऐसे लिख दो। यस सर, बिल्कुल सही है। फिर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स बच्चों, फिर होल डी एक्स, अरे यस सर, ये आया एफ एक्स, एफ एक्स और ई की पावर, ये तो एक्स आ जाएगा, अरे इसका यही होता है माइनस, और ये तो वैसे वैसे बैठा बच्चा है ना एफ डैश एक्स, और ई की पावर एक्स का फिर वही आ जाएगा और फिर इंटू डी एक्स आ जाएगा। अभी भी कुछ लोग देख रहे हैं, अभी अभी भी कुछ लोग डाउट में चल रहे हैं। हाँ भाई क्या हो, हाँ आपको डाउट है क्या? अब बताओ आप इसको कैसे डेरिवेटिव करोगे इसका, फर्स्ट आप किसको मानोगे, आप बताइए फर्स्ट इसी को मानोगे क्या करोगे? ठीक है फिर से वही काम करेंगे, देखो ये पहला वाला तो आ गया हमारा आंसर, ये वाला तो आ गया फर्स्ट टर्म तो आ गया, इसका तो निपट गया ये बेचारा, ये वाला तो आ गया, करेंगे तो सेकंड सेकंड वाला आ जाएगा। देखिए करें एफ एक्स एक बार एक्स को तो बाहर निकालो माइनस, फर्स्ट को इस बार बाहर निकाला और इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो एक बार एक्स ही आएगा बच्चों, yes, मैं नहीं करने वाला दोबारा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसका तो इसका आएगा एफ डबल डैश एक्स, अरे फिर एक पावर एक्स डी एक्स, फिर वही डाल दी इसने, फिर वही माइनस वही वाला तो आ गया, ये वाला टर्म तो आ गया हमारा, फिर से इसको करेंगे ऐसे करते रहेंगे करते रहेंगे, ये चलता चला जाएगा, जितनी डिग्री होगी उतने टाइम तक चलता रहेगा, समझ आ गया? हाँ जी हो गया, ये इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन किसके थ्रू बेटे, कैंसिलेशन मतलब कैंसिल कर दो और बस कहानी खत्म करो, अगर कैंसिल होता है कैंसिल करके अगर इंटीग्रेशन होता है तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है अब देखो बेटे कैसे करते हैं इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन, देखो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है, इवेलुएट इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन में क्या दिया है एक्स दिया है माइनस लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स है, तो बच्चों ये बताओ आप में इसको बता सकता है कि अगर एक्स की पावर साइन एक्स दिया तो इसको फ्रंट आगे आ जाता है, मतलब एम की पावर एन है तो साइन एक्स बिल्कुल आगे आ जाएगा, बेटा ये पता है ना हमें सबको आता होगा, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन में क्या आएगा एक्स और डीएक्स को भेजो अंदर, हाँ। ये डीएक्स अंदर चलाएगा। ठीक है बच्चे और इंटीग्रेशन इसके साथ लगा तो उसके साथ भी लगाया भाई, ये कहीं अलग थोड़ी ना है माइनस, इसको अलग थलग नहीं करो, साइन एक्स पहले आ जाएगा इंटू लॉग एक्स, ठीक है फिर क्या आ जाएगा बाहर डीएक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों याद है, ठीक है किसी को याद है कोई प्रॉब्लम बता सकता है, कोई डाउट है किसी को बता सकता है जल्दी से, ठीक चल रहा है। अब बताओ फर्स्ट किसको मानोगे सेकंड किसको मानोगे कैसे इसको, अच्छा ये बताओ हाँ एल को लॉग को मतलब, हाँ लॉग को मानोगे ना yes, तो करें चलो एक काम करते हैं इसको ऐसे छोड़ देते हैं इस वाले को, रुको जरा मैं आपको एक और बात आइडिया देता हूँ, आपको अच्छा आइडिया है कैंसिलेशन वाला ही है, आप क्या करो इसको लिखो कॉस एक्स इंटू वन अपॉन एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं अच्छा ये भी बन गया, लिख सकते हैं या नहीं बताओ, इसको फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो सेकेंड मान लो, ठीक है करें sir. देखो cos x बाहर आएगा, cos x बाहर आएगा, फिर इंटीग्रेशन होगा किसका dx का, ठीक है इसका माइनस, फिर d ओवर dx ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x होता है भाई, अरे वो इसका डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन x का, फिर से क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, अरे भाई इसका होगा यार तो log x आ जाएगा और पूरे का क्या हो जाएगा dx आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटे cos x इंटू वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स और पूरे के बाहर क्या आ जाएगा डी एक्स और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, वो वाला ऊपर वाला उठा के मैंने रख दिया भैया, ये आंसर अभी नहीं आया समझ, तो ये मेथड है कैंसिलेशन का, कौन सा मेथड है कैंसिलेशन, कैंसिलेशन का आया नहीं समझ क्या, आ गया। देखो नेक्स्ट है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, अब कई बार वो इंटीग्रल नहीं लिखेगा क्या लिख के दे देगा एंटी डेरिवेटिव, कंफ्यूज हो गए क्या आप इससे, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और द फंक्शन इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन बड़ा बड़ा सा दिया तो लोग डर जाते हैं देख के ये क्या है, कुछ नहीं है जैसे एफ एक्स है इधर ध्यान दीजिए एफ एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स, इधर कॉपी की तरफ ध्यान दो माइनस एफ डबल डैश एक्स
इनटू दिया है जी एक्स, इसका क्या निकालना है एंटी डेरिवेटिव, क्या निकालना है इसका एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे बेटा, कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन लगा दूं मैं यहाँ, बस यही काम करना है मैंने तो लगा ही देता हूँ भाई, कहानी खत्म करो, फर्स्ट इनटू सेकंड वाला देखते हैं, लिख दो बस पहले तो ये काम कर लिया ना आपने, माइनस एफ डबल डैश एक्स इंटू जी एक्स, और फिर पूरे के बाहर क्या जाएगा डीएक्स आ जाएगा, अब फर्स्ट सेकंड मानना बिल्कुल सही है, पहले तो इंटीग्रेशन को भेजो दोनों सेपरेट करें ना, तो पहले इसके पास भेजते हैं, जाएगा एफ एक्स इंटू बेटे बोलो डी डबल डैश एक्स, और बाहर क्या जाएगा डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन बोलो एफ डबल डैश इंटू जी एक्स डी एक्स है ना। अब क्या टारगेट है आपका, फर्स्ट सेकंड किसको मानना चाहते हो आप, फर्स्ट एफ एक्स को सेकंड, क्यों माना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करके फिर इंटीग्रेशन करना इजी है, अरे तुम्हारा फिर वही ट्रिपल डैश आएगा, फिर तुम्हारा इंटीग्रेट करोगे जी डबल डैश आ जाएगा, मतलब अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो ना आप डबल डैश का, तो वन बचेगा बस, इसमें एक डैश बचेगा, किसी का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक डैश खत्म हो गया, एक बचेगा, समझ आ रही है बात मेरी, ठीक है, एक बार तो वो खत्म करके उसको एक डैश पे ले आएगा, दो बार कर दोगे एक बार फिर खत्म कर देगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खत्म कर देता है, ठीक है। अब बताओ क्या करें इसको, इसमें क्या करो, इसमें भी यही काम करो फिर से, इसमें सेकंड फर्स्ट चलो अब बताओ कैसे करें, जी सॉल्व करना शुरू करें, चलो बेटे इंटीग्रेशन एफ एक्स को बाहर निकालोगे ना, एफ एक्स को बाहर निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, जी डबल डैश का जी डैश एक्स आएगा, एक खत्म होगा ना बच्चे, जी डैश एक्स आ गया, फिर माइनस, फिर आप लोग क्या करते हो डिफरेंशिएशन करते हो, इसका एफ डैश एक्स आएगा, और इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो जी डैश एक्स आएगा, अभी आया नहीं आ गया समझ में, जी एक्स, और ये पूरा ऐसा बंद कर देता हूँ, ये पहले वाले को सॉल्व कर दिया, सेकंड वाले को करूँ सॉल्व, सेकंड वाले में वही फर्स्ट सेकंड चलेगी कहानी फिर से है ना, करें देखो इसको फर्स्ट मान लो जीएक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है एफ डैश एक्स आएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन, हाँ इंटीग्रेशन का साइन, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा एफ ट्रिपल डैश आएगा, यस सर, इसका थोड़ी होगा जी डैश, हाँ जी डैश का करना है, सॉरी जी डैश एक्स आएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन होगा तो एफ डैश एक्स बचेगा, डीएक्स आएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अरे मुझे लग रहा है, और नहीं समझ आएगा, हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये वाला कैसा है माइनस का है, और ये वाले भी दोनों देखो क्या हो रहे हैं, ये तो जुड़ जाएंगे दोनों, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ये दोनों आएंगे एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, सो दैट इज द आंसर, प्लस क्या लगा दो सी, ठीक है भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रूफ आप लोग खुद ही कर लो, मैं करवाऊंगा नहीं, इतना बड़ा सिंपल सा है, लेकिन बेटे अगर ई की पावर एक्स लगाओ, क्या लगाओ ई की पावर एक्स, और उसके साथ में कुछ प्रोडक्ट में ना एक एफ एक्स हो और एक उसका डेरिवेटिव साथ में ऐड होगा एफ डैश एक्स, ठीक है, तो हमारे लिए खुशी की बात है, और इसकी जगह पे सिंपली हम लिख देंगे ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स लिख देंगे, और ये हमारा आंसर है बेटे प्लस सी, समझा गया, बस कुछ नहीं करना, कहानी यही खत्म कर दोगे, देखो एक क्वेश्चन से समझा देते हैं, देखो अगर दिया हो इवेल्युएट करो, क्या करो लिखता तो ये इवेल्युएट करो, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, इवेल्युएट करो है ना, वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका ये डिफरेंशिएशन है, तो ई की पावर ई की पावर सॉरी ये वाला इसका डिफरेंशिएशन है, करके देखो माइनस टू गया, करके देखें करके देखें क्या, चलो इनको नहीं आया समझ, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है ये ना, ऊपर चला जाएगा जी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्या हो जाएगा माइनस वन, फिर आएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो आएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि टू ही ना पावर नीचे आएगा, तुम्हें क्या आ गया समझ में, तो फिर इसको सिंपली आप बता दो क्या आंसर है, ई एक्स इनटू वन अपॉन एक्स प्लस सी, सिंपली आंसर लिख दो।